सोमवार को गढ़ाकोटा में वकीलों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बाइक रैली निकाली। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी की अगुवाई में विभिन्न पदाधिकारियों और वकीलों ने पूरे शहर में नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इन लोगों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम व्यवहार न्यायाधीश और क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव को प्रधानमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा। वकीलों ने प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू करने, वकीलों और उनके परिवार का जीवन बीमा, निःशुल्क चिकित्सा के अलावा न्यायालयीन भवनों की सुरक्षा और पैरवी के दौरान वकीलों की सुरक्षा, कोर्ट में पुलिस चौकी जैसी कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को काम नहीं करने की भी चेतावनी दी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के संबंध में वकीलों के लिए संघ भवन और ली लाइब्रेरी, मासिक पेंशन व्यवस्था, अक्षम व वृद्ध वकीलों के लिए मासिक व्यवस्था, इसके अलावा बीमा की व्यवस्था, इसके अलावा भूखंड निर्माण के लिए व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था, इन सब मांगों को लेकर एक ज्ञापन तहसीलदार महोदय को प्रधानमंत्री जी के नाम दिया गया है। 12 फरवरी 2019 को हम सभी अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से व्रत रहेंगे।